स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम धर्मवीर यादव सर, फिजिक्स फैकल्टी। डियर स्टूडेंट, इन आवर टुडे लेक्चर वी डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट यूनिट। द नेम ऑफ दिस यूनिट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सो प्यारे बच्चों, इससे पहले आप थर्ड यूनिट में लॉज ऑफ मोशन में स्टडी कर चुके हैं लीनियर इफेक्ट को। अब आप बात करेंगे रोटेशनल इफेक्ट ऑफ मोशन। ठीक है तो प्यारे बच्चों, रोटेशनल मोशन जो आपका है काफी इंपोर्टेंट यूनिट है और लॉज ऑफ मोशन से कनेक्टेड है। वहां पे जो आपने लीनियर इफेक्ट किए थे वहां, अब यहाँ पे आपको कंसेप्ट आपका लीनियर के बजाय क्या हो जाएगा, रोटेशनल। ठीक है, सो प्यारे बच्चों अपने यूनिट को स्टार्ट करते हैं और अपना फर्स्ट टॉपिक होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पहले हेडिंग बना लीजिए सभी बच्चे, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, और इसको हम ऐसे ही प्रेजेंट कर सकते हैं सी एम, सेंटर ऑफ मास। भाई यहाँ पे सी एम को चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पे सी एम रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ मास को। सो प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ मास को समझ लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है। भाई आप मान लो कि आपके पास ये कोई एक बॉडी है। ठीक है, अब आप मान लो कि आपके पास ये कोई एक पेन है। मान लिया पेन एक बॉडी हो गया, ये पेन का आप मान लो कि टिप है। ठीक है, और इस पेन का कंप्लीटली मास मान लीजिए इस निप पे कंसंट्रेट करता है। द होल मास ऑफ दिस पेन इज कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट, द पॉइंट इज दिस। मीनिंग समझ में आ रहा है? तो जिस पॉइंट पे किसी भी बॉडी का, चाहे वो पॉइंट बॉडी के इनसाइड में हो चाहे वो पॉइंट बॉडी के आउटसाइड में हो, और जिस पॉइंट पे उस बॉडी का कंप्लीटली मास कंसंट्रेट करेगा, तो बेटे वो उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। तो प्यारे बच्चों, डेफिनेशन आपको समझनी है ना कि रटनी है। तो बेटे सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं, सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। यानी कि सेंटर ऑफ मास वो इनसाइड और आउटसाइड कहीं भी हो सकता है, और जिस पॉइंट पे इस बॉडी का कंप्लीटली मास कंसंट्रेट करेगा, तो प्यारे बच्चों वो पॉइंट क्या कहलाएगा, दैट पॉइंट इज सेड टू बी सेंटर ऑफ मास। मीनिंग क्लियर? सो बेटे राइट करते हैं, देखो भाई, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट, इज ए पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी वेयर, वेयर होल मास, वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम, होल मास ऑफ द सिस्टम इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटे, देखो सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड, यहां पे राइट करना है, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। डेफिनेशन समझ में? तो आप इसी से मान लो कि आपने ये कोई बॉडी लिया, एक बॉडी आपने ये ले लिया, ये फर्स्ट हो गया, ये आपके पास सेकंड बॉडी हो गया। अब मान लीजिए बेटे इस बॉडी का कंप्लीटली वेट इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, तो ये पॉइंट इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। ऐसे मान लो यहां पे लाई करता है, तो ये पॉइंट इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। बेटे सेंटर ऑफ मास इनसाइड में भी हो सकता है, आउटसाइड में भी हो सकता है। जहां पे उस बॉडी का कंप्लीटली मास क्या करे, कंसंट्रेट करे, तो बेटे वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। मीनिंग आगे समझ में? दो अलग अलग कंडीशन दिया आपने, एक में इनसाइड में, दूसरा आउटसाइड में। बेटे वेट की बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूं मास की। ठीक है, मैंने यहां से क्लियर? बेटे सेकंड वे में मैं ये कह सकता हूं, देखो यहां से हमने कुछ कंक्लूजन फाइंड आउट किया, मैं ये कह सकता हूं यहां से इस डेफिनेशन के बिहाव पे हम ये कह सकते हैं, द सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट द मोशन
सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द बॉडी एट गोल, यानी कंप्लीट बॉडी आपका मोशन में है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसेंट्रेट करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लियर। तो बेटे डेफिनेशन को अच्छे से समझना है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना होगा सेंटर ऑफ मास, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम दो पार्टिकल को स्टडी करेंगे, उसके बाद एन पार्टिकल की बात करेंगे। बेटे टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं, तो अच्छे से समझना है, न्यूमेरिकल भी फिर हम इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, नोट इट डाउन केयरफुली। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। बड़े यहाँ पे मैंने क्लियर, तो यहाँ पे हम मजबूर कर लेते हैं,
बॉडी ए बॉडी ए एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट करेगा बी पे, बी एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट करेगा ए पे, तो एफ वन एफ टू देयर एक्सटर्नल फोर्सेस, एफ वन एफ देखो बेटे ध्यान एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन ए एंड बी, ठीक है। इसी तरीके से बेटे एफ वन टू और एफ टू वन, देखो भाई बेटे एफ वन और एफ टू आपके हो गए एक्सटर्नल फोर्सेस और एफ वन टू एफ टू वन क्या हो गए इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस एक्टेड ऑन ए एंड बी। भाई ए फोर्स एक्ट करेगा बी पे और बी फोर्स एक्ट करेगा ए पे, तो बेटे सारी कंडीशन आपने मेंटेन कर लिए एंड आर सी एम डिपेंडेंट करेगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। देखो ए की कंडीशन को आपको समझना है, यहां से चीजों को समझ के चलना है बेटे, आपको फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। तो इसके लिए आपने क्या किया, आपने एक सिस्टम अज्यूम कर लिया, एक सिस्टम लिया जिसमें दो बॉडीज हैं, ठीक है, एक ए हो गया दूसरा बी हो गया, एम वन एम टू मासेस ऑफ पार्टिकल ए एंड बी, आर वन आर टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बॉडी ए एंड बी, एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन ए एंड बी, इंटरनल फोर्सेस, और आर सी एम आपका हो गया सेंटर ऑफ मास। बेटे यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया, कंप्लीट अच्छे से फोकस कीजिए, उसके बाद फिर इसको डेराइव कर रहा हूं, आपको समझना है कंसेप्ट को, बस टॉपिक एक बार अच्छे से आप समझ लेंगे तो उसके बाद बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रटने की कोशिश जल्दी से भी मत करना क्योंकि रटोगे तो बात नहीं बनेगी फिजिक्स में, ठीक है। तो बेटे ध्यान से देखो, अब मैं इसको कर रहा हूं, अब मैंने यहां यूज किया अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन द इक्वेशन ऑफ मोशन द इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम्स, ध्यान दीजिए भाई न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है एफ इज इक्वल टू एम ए, बेटे ये कहता है ना, तो सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं बेटे ध्यान दीजिए मैं बॉडी ए और बॉडी बी दोनों के लिए कंडीशन मेंटेन कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा फॉर बॉडी ए, बॉडी ए के लिए देखो भाई बॉडी ए के लिए हम कह सकते हैं बेटे इसके बाद ए वन ए टू के एक्सलेशन होंगे एम वन A1, बेटे किसके बराबर होगा F1 प्लस F1, बेटे हाँ है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, बॉडी A का एक्सेलरेशन A1, बॉडी A का F1 एक्सटर्नल फोर्स, ये इंटरनल फोर्स, बेटे यहाँ तक बात समझ में आ रही है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, मैंने कहा इससे क्लियर। सिमिलर बेटे यहाँ पे मैं राइट करना फोर बॉडी B, बेटे बॉडी B के लिए क्या होगा M2 A2 इज इक्वल टू F2 प्लस F21, मीनिंग आ रहा है समझ में, ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। यहां के किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, मीनिंग अच्छे से क्लियर बेटे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को बेटे ऐड कर लेते हैं, बात समझ आ रही है। तो यहां पर मैंने रखा ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, देखो बेटे ध्यान से आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दीजिए, बेटे लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे राइट को राइट में ऐड करेंगे, बेटे आपने राइट किया एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ वन टू प्लस एफ टू प्लस एफ टू वन, बेटे आ रहा है समझ में अच्छे से क्लियर भाई। आप देखो बेटे ध्यान से, बट अकॉर्डिंग टू थर्ड ऑफ मोशन, बेटे थर्ड ऑफ मोशन क्या कहता है, यहां देखिए
बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ये कहता है कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, ये होगा टू एवरी फोर्स ऑफ एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन। सो बेटे F12 किसके बराबर होगा, माइनस F21 के इक्वल होगा। ये वैल्यू आप इसी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए प्यारे बच्चों, रिजल्ट अपना बनेगा M1A1 प्लस M2A2 इज इक्वल टू F1 प्लस, बेटे F12 की वैल्यू यहां साइन क्या लगा दो, माइनस F21 प्लस F2 और प्लस का F21। अब प्यारे बच्चों देखो, आपने यहां पे F12 की वैल्यू क्या पुट कर दी, माइनस F21। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब देखो F1 प्लस F2 मैं यहां पे लिख देता हूं, बट F1 प्लस F2 बेटे ध्यान दीजिए इज इक्वल टू F। F क्या हो गया, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम। बेटे आप नहीं समझ में, अरे ऐसे क्लियर बेटे, M1A1 प्लस M2A2 इक्वल टू F1 माइनस F21 प्लस F2 प्लस F21, ये दोनों कैंसिल आउट हुए। F1 प्लस F2 किसके बराबर मान लिया आपने, F के। तो बेटे यहां पे वैल्यू आउट कर दीजिए, नाउ M1A1 प्लस M2A2 इज इक्वल टू F आपका हो गया टोटल फोर्स। बेटे इसी की इक्वेशन बेटे कंसेप्ट को समझ के चलना है आपको, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, मेरी बात इसी क्लियर। अब बेटे देखो, आपने काइनेटिक्स की स्टडी किया हुआ है भाई, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। सो बेटे आप नहीं कह सकते हैं पर A इज इक्वल टू A2R अपॉन A2 स्क्वायर, यार ये तो लीगल है ना भाई, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो प्यारे बच्चों सिंपल वे में मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन इक्वल टू D2R अपॉन A2 स्क्वायर। बेटे मीनिंग आ रहा है समझ में, अच्छे से क्लियर। अब कोई बच्चा ये क्वेश्चन ये आया कैसे, तो बेटे मैं बता देता हूं कैसे आया। देखो बेटे एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, ये होता है ना, एंड वेलोसिटी बेटे किसके बराबर होता है, ds अपॉन dt। डिस्प्लेसमेंट को मैं dr मान लू भाई, डिस्प्लेसमेंट आप ds मान लो, dr मान लो, एक ही बात है बेटे। v की वैल्यू यहां पे ले आओ, v की वैल्यू यहां पे लेके आओगे तो d अपॉन dt आप किसका करोगे, v का, और यहां पे आपका है dr अपॉन dt। तो बेटे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, d2r और dt का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आया है नहीं समझ में, तो कोई बच्चा ये कहे सर एक्सेलरेशन d2r अपॉन dt स्क्वायर कैसे आया, तो बेटे आपके सामने है, ठीक है मीनिंग यहां तक के लिए। अब देखो ठीक है बेटे, इसको रखता हूं मैं, आप देखो भाई ध्यान से बेटे, यहां तक करने के बाद अब मेरे पास मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, a1 और किसकी चाहिए a2, तो यहां पे मैं a1 लगा दूंगा और a2 में यहां पे 2 लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो देखो कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, नाउ m1 बेटे a1 की वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं, d2r1 / dt2। बेटे आया नहीं समझ में, a1 क्या हो जाएगा d2r1 / dt2। सिमिलर वे में m2 d2r2 अपॉन dt2, ठीक है बेटे, और ये किसके बराबर होगा भाई, f के। किसी बच्चे को यहां कोई प्रॉब्लम, मैंने अच्छे से क्लियर बेटे, आप देखो भाई ध्यान से बेटे, मैं क्या करता हूं इस dt के रेस्पेक्ट में, ये m कांस्टेंट है ना, तो इस m को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं d2 अपॉन dt2, और बेटे इन साइड में क्या रखोगे, m1 r1, ठीक है बेटे। सिमिलर यहां पे d2 अपॉन dt2 m2 और बेटे यहां पे r2 और ये किसके बराबर होगा, f के। बेटे किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम, मैंने कहा किसी के लिए, आप देखो प्यारे बच्चों इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है d2 अपॉन dt2 आ रहा है बेटे, सो कॉमन ले लो d2 अपॉन dt2 आपने कॉमन लिया, m1 देखो बेटे m1 r1 प्लस m2 r2 और बेटे किसके बराबर हुआ, f के, ठीक है। और इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 4, बेटे मीनिंग समझ में आ गया, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, बेटे मैंने क्या किया, मैंने यहां से d2 अपॉन dt2 को
बचा M1R1 प्लस M2R2। बेटे यहाँ तक अभी नोट कर लीजिए, कंप्लीट इसको एक बार नोट कीजिए, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इसको आगे हम करते हैं, ठीक है। नोट इट डाउन केयरफुली, फिर मैं इस साइड को रफ करने जा रहा हूँ, इसको आगे हम लेके चलेंगे, ठीक है बेटे। अच्छे से यार तो एक ही कंसेप्ट को समझना है, रटना नहीं गलती से भी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका है, कंप्लीट मैथमेटिकल है, ठीक है। नोट इट डाउन केयरफुली, किसके बराबर आएगा, नेट फोर्स के
और आपने प्रूव भी कर दिया भाई सेकंड कंपोजिशन ये तो कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन क्लियर है नहीं समझ में और यही हमें प्रूव करना था दिस इज योर फाइनल रिजल्ट ठीक है बेटे यहां तक आपको सॉल्व करना है सेंटर ऑफ मास आपका हो जाएगा टाउन ठीक है बेटे बेटे एक बार फिर देखो करना क्या है इक्वेशन फोर तक करने के बाद आपको इक्वेशन फोर को लेफ्ट साइड में एम वन प्लस एम टू से मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड कीजिए आपने किया बेटे हमने एक्सपेरिमेंटली पाया कि एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू बाई एम वन प्लस एम टू अपना किसके बराबर होता है आरसीएम सेंटर ऑफ मास के ठीक है जबकि बॉडी जब अपना ए से कहां जाएगा बी जाएगा ठीक है एम वन प्लस एम टू ये कंडीशन आपको मेंटेन हुआ बेटे डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन के इक्वल और आपने मान लिया यदि एम वन प्लस एम टू किसके बराबर हो जाए टोटल मास ऑफ द सिस्टम के अब पार्टिकल नहीं इसका सिस्टम का बेटे ठीक है तो बेटे एम ए सी एम किसके बराबर हो गया एम दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट बेटे सेकंड ऑफ ने आप प्रूव हो गया ना ठीक है तो सेंटर ऑफ मास टू टू पार्टिकल सिस्टम आपके पास क्वेश्चन आता है तो बेटे आपको यहां तक प्रूव करना है ओनली सेंटर ऑफ मास को कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है ठीक है बेटे अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे तो बेटे इस डेरिवेशन को अच्छे से समझ के करना है कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं टॉपिक इम्पोर्टेंट है अच्छे से फोकस कीजिए एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए ठीक है नोट इट डाउन केयरफुली लास्ट के पेज पे उनको सभी को कलेक्ट कर लो ताकि जब आप न्यूमेरिकल